नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार का एसएससी का सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगा, और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपका सिलेक्शन कैसे हो उस डायरेक्शन में हम इस चैनल पे बात करें। तो अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से मैं जो वीडियो इस पे अपलोड करूँगा वो बिहार ओरिएंटेड होगा, यानी कि बिहार सीजीएल से ज़्यादा हम इस पे वीडियो बनाएंगे। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने को है, बिहार सीएचएसएल का भी वैकेंसी आने वाली है, यानी कि इंटर स्तरीय जो एसएससी है उसका वैकेंसी आने वाली है। तो तमाम चीज़ें पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और यहाँ पर जो चीज़ें होगी वो बिना किसी, आप कह सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के होगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका सीजीएल की जो वैकेंसी है, तकरीबन 2100 के वैकेंसी है, तो उसमें कैसे सिलेक्शन पाया जाए, कौन से बुक को पढ़ा जाए, और अभी कैसा स्ट्रेटजी हो, क्योंकि जैसा वो बोले हैं कि 27 से 26 नवंबर को वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। 27 और 26 नवंबर को बोले हैं, टेंटेटिवली ये डेट है, कोई ज़रूरी नहीं है। बिहार है तो आपको भी पता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बोला जाता है वैसा कुछ होता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो तो बिहार बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर भी मान के चलते हैं कि 27 और 26 को आपका एग्ज़ाम है। अब इस दरमियान आपको कौन से बुक को प्रीफर करनी चाहिए, और कैसे लोगों को कैसा बुक पढ़नी चाहिए, और कैसे लोगों को कैसा स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखिए, हम जनरल बात करते हैं, जनरल यानी कि जो 10 साल से भी पढ़ रहे हैं, और जो 10 महीने से स्टार्ट किए हैं, और जो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के बाद स्टार्ट किए हैं। तो एक ओवरऑल हम सभी के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करेंगे, बुक की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो ओवरऑल की बात करते हैं, जिनका तैयारी हो रहा है, और भी एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी दिए होंगे आपके, और भी जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है वो दे रखे होंगे, या एसएससी के एग्ज़ाम दे रखे होंगे, तो सब चीज़ में एक कॉमन क्या है, बैंकिंग की छोड़ दे तो, कि आपका जो कुछ जनरल नॉलेज है वो तो आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि जो बैंकिंग के एस्पिरेंट है वो जनरल नॉलेज नहीं पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे। तो जनरल नॉलेज कहाँ से पूछे जाए, क्योंकि मैं खुद बिहार एसएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मुझे उसके पैटर्न को समझने में थोड़ा सा सहूलियत है कि कैसा वो क्वेश्चन एराइज करता है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आप लोग में से बहुत सारे लोग ये मतलब हवा क्रिएट कर लेते होंगे, कभी आपने बिहार एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो, कि बिहार एसएससी है यानी कि बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई, जब मैं मेंस दे रहा था तो बिहार से क्वेश्चन शायद एक या दो थे, आप समझ सकते हैं कि ऐसा पैटर्न है। हाँ, वो बिहार के क्वेश्चन कहाँ पे होते हैं, बीपीएससी में होते हैं, लेकिन बिहार एसएससी में बिहार के क्वेश्चन लगभग ना के बराबर होता है, और होता भी है तो जो यूपी के लड़के हो या बंगाल के लड़के हो या बिहार के लड़के हो, सभी के लिए इक्वल हो जाता है, क्योंकि बिहार के लड़कों को भी नहीं पता होता बहुत सारे ऐसे चीज़, अगर बीपीएससी की तैयारी ना कर रहे हो तो, क्योंकि बीपीएससी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ओबियस है, बिहार के बारे में तो आपको सब कुछ पता होगा। तो आपको बिहार एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार के जनरल नॉलेज को ना भी पढ़ेंगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की बात हम बाद में कर लेंगे जब पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, पीटी में सिलेक्शन लेना है, पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा आप स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ेंगे तो। जनरल नॉलेज आपको कौन से बुक से पढ़नी है, लूसेंट सफिशियंट है। लोग बोलते हैं ना कि लूसेंट अब काम नहीं आता है, वो सेंट्रल लेवल में नहीं काम आता है, सेंट्रल लेवल में भी वो सिर्फ रेलवे में नहीं काम आता है, अभी भी लूसेंट बहुत सारे एग्जाम के लिए फंडामेंटल बुक है। तो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, देखिए बहुत सारे कोचिंग वाले भी कहेंगे कि मेरा ले लो मेरा ले लो, तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक जनरल बंदे जिसके पास ना कोचिंग अफोर्ड करने की क्षमता है या ना मोटे मोटे जो बुक है वो लेने की क्षमता है, मोटे बुक तो वैसे भी लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ने में बोरियत हो जाती है और कंपाइलेशन उसका उतना ढंग से होता भी नहीं है। तो जनरल नॉलेज के लिए जो लूसेंट है वो सफिशियंट है। बिहार के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इवन मेंस के लिए भी ज़रूरी नहीं है, बिहार के लिए आपको कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे ज़्यादा फोकस कर लेंगे रीजनिंग पे हो तो वो बेटर हो जाएगा।
मैथ्स साइंस की बात कर रहा है कि वो 50 क्वेश्चन पूछेगा, तो मैथ्स और साइंस दोनों मिला के 50 क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैथ्स का वेटेज कितना है। और मैथ्स काफ़ी ईजी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा सा आप जो है वो एसआई के एग्ज़ाम में थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन लेवल मतलब कि उसका नीचे ही रहता है। तो मैथ्स अगर आप किरण का एसएससी का सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी बना लेते हैं, सीएचएसएल भी बना लीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये क्लर्कियल पोस्ट है और मैथ्स को उतना प्रीफर नहीं ये करते हैं बिहार एसएससी। तो मैथ्स आप जो है किरण का वो है वो भी ले लीजिएगा तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया मैथ्स हो गया, और अच्छा एक इसमें चीज़ें दे रखी है कि साइंस का भी वेटेज है, तो साइंस कहाँ से पढ़ा जाए। देखिए साइंस तो उतना डीप में पूछेगा नहीं, ठीक है, जिस तरह से एलपी टेक्नीशियन होता है उस तरीके से पूछेगा नहीं, तो जनरल जो साइंस है जिसमें बायोलॉजी ज़्यादा वेटेज रखती है, बायोलॉजी का आप कोई यूट्यूब चैनल को प्रीफर कीजिए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, नीरज सर को मैं सजेस्ट करूँगा, उनका चैनल आप देखिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन आएगा एग्ज़ाम में, ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साइंस का ये हो गया, या साइंस का कोई भी जनरल बुक खरीद लीजिएगा, कोई भी बुक का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कोई भी बुक, क्योंकि साइंस का क्या है ना कि कहीं से भी कुछ पूछ देता है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर, हाँ आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे एसके झा सर, तो देखिए एसके झा सर जो हैं वो न्यूमेरिकल बेसिस पे जो उनका बुक है वो ज़्यादा एएलपी टेक्नीशियन या आप कह सकते हैं ग्रुप डी के लिए बेटर है। इसके लिए मुझे देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोग उनके फ़ैन होंगे, मैं भी फ़ैन हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपके लिए सही है वो मैं बता रहा हूँ कि उतना डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाई अब आप बिहार एसएससी के सीजी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जबकि न्यूमेरिकल उसमें पूछा नहीं जाता, तो आप देखिए क्वेश्चन हार्ड करने से नहीं होता है, क्वेश्चन कौन सा आएगा उस डायरेक्शन में वर्क करने से होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका बुक अच्छा है लेकिन वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। CGL के लिए आपको जनरल कोई भी लूसेंट का भी साइंस ले लीजिएगा तो उससे काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें उतना टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं साइंस के लिए। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, रीजनिंग इसमें ठीक ठाक लेवल होते हैं, यानी कि जो भी आपके इसमें रैंक डिफाइनिंग होंगे वो तो बाद की बात है, मेंस की बात है रैंक डिफाइनिंग, लेकिन इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप जनरली पढ़े लिखे होंगे तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि अच्छा रीजनिंग की मैं बात कर रहा था, तो रीजनिंग इसमें लेवल के पूछे जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब दे रहा था एग्ज़ाम तो मुझे लगा कि रीजनिंग थोड़ा ठीक ठाक मतलब कि इजी ही पूछा जाएगा, जैसा मैथ्स मैंने बनाया आसानी से बन गया, जब मेंस लिख रहा था इसी का पेपर दे रहा था तो मैथ्स जीके ये सब आसानी से साइंस वगैरह हो गए, लेकिन जब रीजनिंग में गया तो रीजनिंग में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये उलझाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग अगर आप बनाते हैं तो आप ये मान के चलो कि बैंकिंग लेवल का रीजनिंग आएगा, हालांकि उतना लेवल का नहीं आता है, लेकिन आप ये मान प्रिपरेशन करो क्योंकि मेरिट में आना है, तो मेरिट में आने के लिए आप बैंकिंग लेवल से तैयारी करो, सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, जंबल वर्ड हो, जंबलिंग इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी रीजन वाले होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप इन सभी सब्जेक्ट में जितने भी इसके सब्जेक्ट हैं जितना भी इसके सिलेबस है उसमें रीजनिंग पे ज़्यादा समय गुजारो, रोज़ाना रीजनिंग को कम से कम तो आधा से 45 मिनट यानी कि आधा घंटा से 45 मिनट आप देने की कोशिश करो। रीजनिंग अगर पकड़ में आ गया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि जीके तो ऐसा चीज़ है कि कितना भी पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, तो जीके तो एवरेज सबका रहता ही है, कोई दो नंबर ज़्यादा कोई किसी का दो नंबर कम, मैथ्स भी सबका हो ही जाता है, रीजनिंग इसमें थोड़ा सा टफ पूछ देता तो क्या होता है ना कि जो टाइम होता है ना लिमिटेशन वो थोड़ा सा मैटर कर जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एसएससी सीजीएल के लिए बिहार एसएससी सीजीएल के लिए इस तरीके से सजेस्ट किया हूँ, आशा करते हैं आप इसको फॉलो करेंगे, नहीं तो आप अपने स्ट्रेटजी को भी फॉलो करेंगे, समय समय पे यहाँ पे बिहार से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, यानी कि बिहार एसएससी हो या पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई की वैकेंसी हो या एनएम की हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको गाइड करता रहूँगा बिहार एसएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट होने की वजह से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो उसको मैं यहाँ पे साझा करने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।